बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ आज की जो न्यूज़ है जी वो शेयर कर दूंगा मैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे जी, बात ये है जी कि देखिए मैंने मेरी ना एक लहजा बन जाता है बंदे का, जैसा कि मैं आपके साथ करेंसी रेट की वीडियो शेयर करता हूँ डॉलर एंड रियाल रेट की रोज़, और उसमें मैं जैसा कि ऐसे ही बताता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, डॉलर रियाल के एक्सचेंज। सबसे पहले हम डॉलर की बात करेंगे, अभी इस वीडियो में वही रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले न्यूज़ के मुतालिक बात करेंगे। हालांकि जब मैं आपको पता है अभी पाकिस्तान में आऊँ, सऊदी में था, उस टाइम मैं बोल रहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ मैं, तो ऐसे बोलता था। अभी मैंने सऊदी अरब, वो बड़े बड़े मुश्किल से मैंने वो फिगरा अपने मुँह से हटाया, सऊदी अरब से लाइव हूँ मैं, क्योंकि एक भाई मेरा ना, आप बोल रहे जब वीडियो स्टार्ट होती थी उस टाइम मेरा कलाम बना हुआ था आपके साथ, स्टार्टिंग कैसे वो एक फिगरा पक जाता है जुबान के ऊपर, ये चीज़ होती है, तो इसके लिए माजरत खवाऊँ, कुछ ऐसी बातें मुझसे निकल जाती हैं। बहरहाल जी, एक आम एक्सपायर है या आपका हरूप है या आपकी कंपनी आपकी कामे लगा रही है, सैलरी नहीं दे रही है, खरूज जाना चाहते हैं खरूज नहीं दे रही है, नकल खफाला लेने देना चाहते हैं नकल खफाला नहीं दे रही है, या इसके अलावा बदून कफीला आप बाहर काम कर रहे हैं जी, या सायका आमल मंजिल वगैरह का, या कोई भी फर्दी जो फर्दी आम आपको पता है मुसस्सा वगैरह होता है उसका वीज़ा आपने रखा हुआ है और आप बाहर काम किए जा रहे हैं, तो आप सब भाइयों के लिए यह अहम होती है वीडियो, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, बात यह है, सबसे पहले ये भी बात जिक्र करता चलूँ कि भाई पाकिस्तान में तो अभी पाकिस्तान से तो गिने चुने बंदे जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में। आपको पता है कुछ महीनों के हिसाब से ई नंबर पाकिस्तान में यानी कि वीज़ा स्टैम्प हो रहे हैं, बहुत सौ को दबाई वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रहे हैं, दो दो तीन तीन माह हो चुके हैं, मेडिकल एक्सपायर हो चुके हैं, दोबारा वो बोलते हैं मुझे मुझसे रबते में इंतजार इस बात बहुत से, इस वीडियो में भी नंबर आपको दिखाता हूँ मैं। बात यह है जी कि आप, मैं अक्सर मुस्लिम वीडियो में जिक्र करता हूँ, इस वीडियो में भी जिक्र करता चलूँ, देखिए आपने ना भाई सऊदी अरब का वीज़ा लेना है ना या सऊदी अरब जाना है, तो बराए मेहरबानी एक चीज़ का मैं एक चीज़ को हाईलाइट करता हूँ, उस चीज़ के ऊपर आज फिर थोड़ी बात कर देता हूँ, वो है जी अपना मतार यानी कि मरहल पेपर ज़रूर चेक करवाइएगा। उससे उस पेपर से होता ये है कि आपके ऊपर सऊदी अरेबिया में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम या कोई किसी किस्म की ब्लैकलिस्ट वाला मामला या सफरी पाबंदी वाला मामला तो नहीं है। ये अगर ये हुआ खुदा न खवास्ता तो आपका यहाँ से मरहल लिख के आ जाएगा एम्बेसी से, उतनी देर तक आपका 2-2.5 लाख भाई गुल हो चुका होगा, या अगर आपका वीज़ा स्टैम्प होगा तो आपको एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे, तो उस सूरत में फिर आपके 5-7 लाख रुपए डूब जाएंगे। ये पेपर का कमाल ये होता है मतार पेपर का कि ये आपको वाजिया कर देता है कि अभी आप सऊदी अरेबिया में सफरी लिहाज से ब्लैकलिस्ट हैं या नहीं, उमरा के लिए हैं या नहीं, विजिटर के लिए हैं या नहीं, वर्क वीज़ा के लिए हैं या नहीं, ये डिटेल ये पेपर क्लियर करता है। ठीक है, आपने खुद निकलवाना हो मकतबे अमल से आप खुद निकलवा सकते हैं सऊदी अरेबिया से, मैं किसी भी मकतबे में चले जाएं, अगर आपने हमसे निकलवाना हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, आप हमसे भी निकलवा सकते हैं। ठीक है जी, इसमें एक चीज़ और है जी, जिस बंदे से भी आप निकलवाएं, मैं तो जिस सऊदी से निकलवाता हूँ उससे पूरी डिटेल लेकर साथ में बंदों को बता देता हूँ मैं, आप अगर किसी दूसरे बंदे से निकलवा रखे हैं, खुद निकलवा रखे हैं, तो उससे पूरी डिटेल ले लीजिएगा पेपर की। ठीक है जी, इससे फायदा ये हो जाता है, इस पेपर का फायदा ये होता है सफरी मामला को लेकर। अच्छा, बहरहाल जी अगर बात करें सायकास अमल मंजिल वगैरह, ये भाई जो आपको पता है यहाँ से चले जाते हैं वहाँ पर जाकर आज़ाद काम करते हैं, लेकिन बाद में शुरते के हाथ लग जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है इनके लिए। एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं जिसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं तरहील यानी कि डीपोर्ट सऊदी अरेबिया से, पिछले 6 दिनों में कितने बंदे किए गए हैं, 10,241 अफराद पिछले 6 दिनों में सऊदी अरब से डीपोर्ट किए गए, और ये वही हैं जिनमें हरूब है, इकामा एक्सपायर है, बदून कफील है, कंपनी से भागे हुए हैं, सायक हैं, सायकास हैं, अमल मंजिली वगैरह वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मुखालफा निज़ाम इकामा की, जिन बंदों के इकामे एक्सपायर थे 8,000 बंदे पिछले 6 दिनों में वो गिरफ्तार किए गए जिनके इकामे एक्सपायर थे। इसके अलावा मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद गैर कानूनी तरीके से इंटर होते या निकलते हुए पकड़े गए हैं 3,882, एंड मुखालफा निज़ाम अल अमल इनकी तादाद है 2,065। मुखालफा निज़ाम अल अमल भाई वो होता है जो बदून कफील, सायकास, अमल मंजिली या कंपनी से भागकर बाहर काम करते हुए पकड़े जाते हैं। टोटल वैसे इनकी तादाद 13,898 है जी, 14,000 ही बोल रहे हैं, सॉरी 14,000 के तकरीबन बोल रहे हैं आप, 14,000 के करीब बंदे पकड़े गए हैं पिछले 6 दिनों में सऊदी अरेबिया से गैर कानूनी तरीके से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जी, आपने कंपनी से भाग गए हैं, आपने कंपनी से सैलरी लेनी थी, आपने कंपनी को बोला खरूज लगा दी, कंपनी ने ना खरूज लगाया ना आपकी सैलरी दे रही है ना टाइम से सैलरी दे रही है, तो मैं क्या करूँ, भूखा मर जाऊँ, बाहर ही काम करूँगा? भाई मकतबे अमल में जाएँ, अपनी कंपनी के फील्ड के ऊपर केस ठोकें पहले तो, ठीक है जी, उसके बाद बाहर कहीं दिहाड़ी वगैरह करेंगे तो आपके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं बनेगी जितना आप भाग कर जाएंगे आपके ऊपर प्रॉब्लम बन जाएगी।
तो मकतबल में केस करें, उसके बाहर बाहर काम वगैरह करें, ये बेस्ट है। मकतबल में आपका केस भी चलता रहेगा, जब केस आपके हक में जरूर आएगा इंशाल्लाह, जब आप सच्चे होंगे तो उस टाइम जो भी आपको रकम वगैरह मिलेगी या आपने नकल लिखवाया होगा वहां पर वो आपको मिल जाएगा, या खरूज लगाया होगा लिखवाया होगा तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद सफर कीजिएगा फिर।